हम माघ माह की अति मन भावन महिमा गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम आज तुम्हें जया एकादशी की कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। श्री केशव भगवान का पावन वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम आज तुम्हें जया एकादशी की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। श्री केशव भगवान को पहले शीश नवाता हूँ, माघ माह के शुक्ल पक्ष की बात बताता हूँ। मैं बात बताता हूँ, जया नाम की एकादशी का करता हूँ गुणगान। इस दिन पूजे जाते हैं भक्तों श्री कृष्णा भगवान, भक्तों श्री कृष्णा भगवान। एक समय की बात बताऊं, सुनो लगा के ध्यान। कथा को श्रवण करो ध्यान से, होगा हर कल्याण, होगा हर कल्याण। एकादशी की पावन महिमा सुनो सुनाता हूँ, नरक योनि से छुटकारे का मार्ग दिखाता हूँ। कथा के श्रवण से भाव के बंधन कट ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम आज तुम्हें जया एकादशी की कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इंद्रलोक में इंद्र देव का लगा भव्य दरबार, गूंज रही थी मधुर मधुर सी घुंघरू की झंकार। ढोल सारंगी तबले बज रहे और बजे मृदंग, माल्यवान गंधर्व के भक्तों थिरक रहे थे अंग। उत्तम नृत्य था उसका भक्तों उत्तम संगीत, थिरक थिरक के सभा के अंदर गाता था वो गीत, गाता था वो गीत। मंत्र मुग्ध सी सभा हो गई, ऐसा था संगीत। ताल ताल पे थिरक रहा था, ताल ताल पर गीत, माल्यवान के गीत पे सब उपहार लुटाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम आज तुम्हें जया एकादशी की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। चपल कामनी पत्नी उसकी हृदय से नहीं जाए, जिधर घूमता माल्यवान वो उधर खड़ी मुस्काए, उधर खड़ी मुस्काए। नई नवेली पत्नी उसकी नया नया यौवन, सोच सोच के पत्नी को अपनी व्यथित हो रहा मन, स्वर लय उसके भंग हो रहे, रहा न मन पे जोर, मन को लगाता गीत में अपने उड़ जाता कहीं और, उड़ जाता कहीं।
इंद्र देव जी समझ गए थे उसके मन के भाव। उसके गीत पे भारी है इसकी पत्नी का प्रभाव, इसकी पत्नी का प्रभाव। इंद्र देव उसके ऊपर क्रोधित हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम आज तुम्हें जया एकादशी की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान, सब सुनो लगा के ध्यान, ये कथा है बड़ी महान। भरी सभा में माल्यवान को दे देते हैं श्राप, तू और तेरी पत्नी दोनों भोगो नरक कथा, भोगो नरक कथा। जिसकी याद में खोया है तू भूल रहा है गीत, दोनों बनो पिशाच जन्म कष्टों से करो व्यतीत, कष्टों से करो व्यतीत। जिसकी याद में डूब के तूने मेरा किया अपमान, बन के पिशाच तू साथ उसी के कष्ट भोगना दान, कष्ट भोगना दान। कुछ ना बोला माल्यवान वो खड़ा रहा चुपचाप, श्राप भुगतने की खातिर है चला जोड़ के हाथ, चला जोड़ के हाथ। इंद्र के श्राप से दोनों वो हिमखंड हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम आज तुम्हें जया एकादशी की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान, बन के पिशाचो नरक योनि में कष्ट उठाते हैं, इसी तरह से जीवन के दिन कटते जाते हैं, दिन कटते जाते हैं। बैठ हिमालय भोग रहे हैं इंद्र देव का श्राप, माल्यवान कर रहा है बैठ के मन में पश्चाता, मन में पश्चाता। कष्ट से मुक्ति का दिखता ना कोई उन्हें उपाय, दीन हीन दोनों बैठे हैं लगते हैं असहाय, लगते हैं असहाय। एक दूजे को देते दिलासा मिट जाएगा सांप, एक ना एक दिन मिट जाएगा इंद्र देव का ताप, कष्ट भोगते दोनों मिलके नीर बहाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम आज तुम्हें जया एकादशी की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान, शुक्ल का आया महीना एकादशी का दिन। कई दिनों से रहते थे दोनों कुछ खाए बिन, दोनों कुछ खाए बिन। फल और फूल खा रहे दोनों करते रहे उपवास, छुटकारा ना मिले नरक से लगते बड़े निराश, लगते बड़े निराश। एकादशी का व्रत उन्होंने कर डाला था पूर्ण, नरक योनि का काल उसी दिन हो गया था संपूर्ण, हो गया था संपूर्ण।
पिशाचोनी से मुक्त हो गए, मिल गया अनुपम रूप। चमक उठा था कंचन जैसा उनका रूप स्वरूप, उनका रूप स्वरूप। कथा लिखी सुखदेव ने डीएस पाल जी गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम आज तुम्हें जया एकादशी की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान, सब सुनो लगा के ध्यान, ये कथा है बड़ी
सवायो कदली फल मेवा, स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रघुनाथ।